उसकी दशहत का आलम यह था कि पानीपत के युद्ध से पहले अकबर के कई सेनापति अकबर को उससे युद्ध करने के लिए मना कर चुके थे। वह डर का पर्याय बन चुका था। वह था मुगलों को खदेड़कर बना दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, अर्थात हेमू। हेमू एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ जो नमक का व्यापार करते थे। हेमू शेरशाह सूरी की सेना को बारूद की आपूर्ति करने लगा। फिर हेमू की मुलाकात शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह से हुई। हेमू की कन्विंसिंग पावर अद्भुत थी। इस्लाम शाह ने हेमू की काबिलियत देखकर उसे राज्य के व्यापार प्रबंधन का काम सौंप दिया। शेरशाह सूरी की वर्ष 1545 में मृत्यु हो जाने के बाद इस्लाम शाह सूरी ने गद्दी संभाली। इस्लाम शाह हेमू से हर मसले पर राय लेता था। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसके 12 वर्ष के पुत्र फिरोज शाह की उसी के मामा अथवा चाचा मुबारिस खान ने हत्या कर दी। हेमू भी इस साजिश में शामिल था। मुबारिस खान आदिल शाह के नाम से शासन करने लगा। आदिल शाह ने हेमू को अपना वजीर बनाया। आदिल शाह एक अय्याश और शराबी किस्म का व्यक्ति था। उसे शासन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अबुल फजल ने लिखा कि नाम आदिल शाह का था जबकि अपनी चालों से राजा हेमू बन बैठा था। सारा राज्य वही संभाल रहा था। धीरे धीरे उसने आदिल शाह की सेना के भीतर ही अपनी खुद की सेना बना ली जिसमें ब्राह्मण, राजपूत और मुस्लिम सैनिक शामिल थे। मुगलों को विदेशी बताते हुए भारतीय मुस्लिमों को उसने मुगलों के खिलाफ किया। वह अपने सैनिकों पर दिल खोलकर धन लुटाता था। इस कारण वे हेमू के लिए जान हथेली पर रखते थे। हेमू ने आदिल शाह के लिए 22 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। हेमू के नाम का डंका पूरे भारत में बजने लगा। सेनाएं हेमू का नाम सुनती और भय खाने लगती। हुमायूं, जो कि 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा हराकर खदेड़ दिया गया था, उसने दोबारा हमला करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 7 महीने बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। तब हेमू ने आदिल शाह से दिल्ली पर चढ़ाई करने को कहा, लेकिन दरबारियों और ज्योतिषियों ने कहा कि मुगल अब इतने भी कमजोर नहीं है। तब हेमू ने ज्योतिषियों की राय को दरकिनार कर अपने पराक्रम पर दाव खेला और अपने दम पर दिल्ली का रुख किया। रास्ते में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की कई रियासतों को फतेह किया। आगरा में मुगल सेना नायक इस्कंदर खान उज्बेक को जब पता चला कि हेमू उनकी तरफ आ रहा है, तो वह दहशत के मारे बिना युद्ध किए ही भाग गया। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने तर्दी बेग खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। यहीं पर हेमू का राज्याभिषेक हुआ। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अपना संप्रभु हिंदू राज्य स्थापित किया। 3 शताब्दियों के मुस्लिम शासन के बाद वापस कोई हिंदू दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हिंदुओं की कई पीढ़ियों की आंखें सूखने के बाद एक चिंगारी बबकती सी नजर आई थी। अबुल फजल कहता है कि हेमू जैसा बुद्धिमान योद्धा उससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपनी सेना लेकर मुगलों के पीछे पंजाब की ओर कूच किया। इधर हेमू से भयभीत मुगल गवर्नरों ने अकबर अथवा बेराम खां को काबुल भाग जाने की सलाह दी। अकबर की आयु उस समय काफी कम थी, अतः बेराम खां ही उसके फैसले लिया करता था। बेराम खां ने भागने वाले गवर्नरों को ठिकाने लगा दिया। उसने दिल्ली को वापस पाने के लिए मुगल सैनिकों को हेमू से लड़ने के लिए तैयार किया। हिंदुस्तान की किस्मत को बुलावा फिर से पानीपत ने दिया। 5 नवंबर 1556 को हेमू 500 हाथियों और 30,000 की सेना के साथ मुगलों की 20,000 की सेना, जिसके साथ 500 हाथी थे, उस पर बिजली बनकर टूट पड़ा। हेमू हाथी पर सवार होकर सेना का संचालन कर रहा था। अबुल फजल ने लिखा कि हेमू का आक्रमण इतना भयंकर था कि मुगल खेमे में अफरा तफरी मच गई। मुगल सैनिक डर कर भागने लगे। उसके बाद हेमू ने गज सेना के साथ मुगलों की मुख्य सेना पर हमला बोल दिया। हेमू का लश्कर देख बेराम खां के नथु ने कांपने लगे। हेमू और जीत के बीच बस कुछ ही सैनिकों का फासला था, लेकिन शायद दिल्ली की किस्मत हेमू के पक्ष में
नहीं थी। हिंदुओं के दुर्भाग्य का एक तीर हेमू की आंख में आकर लगा और उससे खून मुगलों के पक्ष में बहने लगा। हेमू मूर्छित हो गया। हेमू का समाचार सुनकर उसकी सेना के हौसले पस्त हो गए और सेना हार गई। बेहोश हेमू का सिर काटकर मुगलों की शान में बढ़ोतरी हुई और उसके सिर को काबुल भेजा गया। हेमू का दर्द दिल्ली के पुराने किले पर लटकाया गया। वो उसके सैनिकों के सिरों को काटकर उनसे मीनार बनवाई गई। इस प्रकार दिल्ली ने हिंदुओं को हमेशा के लिए ठुकरा दिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।